हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हम डीजी की बैटरी में एसएनपीएस बैटरी चार्जर कैसे लगाएं। एसएनपीएस हम बैटरी चार्जर लगाएंगे क्योंकि हमारी जो बैटरी है, जब हमारा डीजी स्टार्ट नहीं होता तो बैटरी हमारी लो हो जाती है, और जब लो हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये जो है हमारा बैटरी चार्जर है एसएनपीएस बैटरी चार्जर, जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट सप्लाई पर काम करेगा, और इसकी इनपुट सप्लाई जो एसी होगी, 12 से 24 वोल्ट ये आउटपुट सप्लाई निकालेगा, इसकी इनपुट सप्लाई एसी होगी। जो हमारा करंट है 230 वोल्ट, वो इसमें इनपुट सप्लाई देंगे और ये आउटपुट निकालेगा। ये फेज वाला वायर हम फेज पर कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, और न्यूट्रल वाला वायर न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, और इसको हम जो है बैटरी चार्ज के लिए लगा देंगे। तो जैसे ही हम हमारी जो है सप्लाई आएगी तो हमारा ये बैटरी चार्ज होंगे, और जब डीजी चलेगा जब भी हमारे बैटरी चार्ज होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बैटरी चार्जर है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रही है और डीजी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो आप इसको लगा लें। ये आप एसएमपीएस जब बैटरी चार्जर लगाएंगे तो हमारी सप्लाई 230 वोल्ट देखने के बाद, जब 230 वोल्ट सप्लाई आएगी तब भी चार्ज होगा, और जब 230 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगी और डीजे चलेगा जब भी हमारी बैटरी चार्ज होगी, जिससे आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।